एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त कमाल का MIUI थीम आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। रिसेंटली मैंने एक पोको का डिवाइस परचेज किया, सो यूजिंग MIUI इन दैट, बहुत ही कमाल की UI इसमें आपको देखने मिलती है। इस थीम में आप इसकी होम सीन की क्लॉक देख सकते हैं जो कि फुल्ली कस्टमाइजेबल है, मैं इसके बारे में बात करूंगा लेटर ऑन। उसके साथ साथ जो इसका क्विक सेटिंग्स पैनल है जो कि इस तरह से मैं एंड्रॉइड 11 स्टाइल, जो बेसिकली आप बोल सकते हैं MIUI 11 स्टाइल वाला मैं यूज़ कर रहा हूं, जो इसका लेटेस्ट MIUI 14 स्टाइल है वो उतना अच्छे तरीके से थीम्ड भी नहीं है, लेकिन ये देखने में अच्छा लगता है। स्टेटस बार बिल्कुल आपको आईफोन स्टाइल UI देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको वाईफाई का आइकन, बैटरी आइकन और सिग्नल आइकन, हर चीज़ आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। एंड इन इंक्लूडिंग दिस वन आपको इसमें डायनामिक आइलैंड देखने को मिलता है। दिस इज सो अमेजिंग। जो डायनेमिक आइलैंड है वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। सेंटर में क्लिक करेंगे वो हाइड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि इट एग्जिस्ट। सेंटर में क्लिक करेंगे वो इनेबल हो जाएगा, और वो ऐसे नहीं होगा अगर आप म्यूजिक प्ले करेंगे, विच मीन्स इट्स फुली फंक्शनल। कई बार ऐसा होता है सिर्फ देखने में मिलता है, फंक्शनल नहीं होता, लेकिन ये फंक्शनल है। एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इसमें इनबिल्ट देखने को मिलती हैं। उसी के साथ साथ इवन इसका जो वॉल्यूम पैनल है वो भी आपको थीम्ड देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा हैवी कस्टमाइजेशन है, लेकिन थीम उतना हैवी नहीं है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। थीम बहुत अच्छा हैवी नहीं है, लेकिन कस्टमाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। जब से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, जब से मैंने इस डिवाइस को परचेस किया, तब से मैं कंटिन्यूस इसी थीम को यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप इसके ऐप ड्रॉअर में चलेंगे बहुत ही कमाल के आपको आइकन्स देखने को मिलेंगे। इवन का जो सेटिंग्स इसका, जो इसका सेटिंग्स ऐप है, इट इज़ लुकिंग सो अमेजिंग। काफ़ी मिनिमल लुक के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसमें अगर आप अबाउट फोन में चलेंगे आपको देखने मिलेगा MIUI 15 का लोगो, बाय डिफॉल्ट MIUI 15 का लोगो आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ ऑफ कोर्स जस्ट फॉर फन, कोई ज़्यादा यहाँ पर रियलिटी नहीं है, लेकिन MIUI 15 स्टाइल आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि मैं पोको F5 यूज़ कर रहा हूँ, पोको में बाय डिफॉल्ट आपको MIUI का डायलर देखने को मिल रहा है, तो अगर आप MIUI डायलर यूज़ करते हैं तो उसके लिए और भी इंटरेस्टिंग UI आपको देखने मिल जाएगी। MIUI डायलर भी देखने में बहुत अच्छा लगता है, इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक आईफोन, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब बात करते हैं द मोस्ट लिमिटेड लॉक स्क्रीन, कमाल के फीचर्स हैं लॉक स्क्रीन में। सबसे पहले आपको टॉप पे अप्रॉक्सीमेटली 12 आपको छोटे छोटे यहाँ पर ऑप्शंस विजेट्स काइंड ऑफ देखने को मिलती हैं, जिसमें आप जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप यूज़ कीजिए। और उसके बाद नीचे आपको देखने मिलने वाली क्लॉक्स, और क्लॉक्स कितनी है, जस्ट नोटिस एंड काउंट इट, बहुत ज़्यादा क्लॉक्स आपको देखने मिली, 93, 95, 600, 108 क्लॉक्स, अमेजिंग। अभी तक मैंने जितने भी थीम ट्राई करे मुझे किसी में भी इतने सारे क्लॉक्स देखने को नहीं मिले। इसमें आपको 108 क्लॉक स्टाइल्स देखने को मिल रहे हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं और ये देखने में बहुत कमाल लगता है। उसके साथ साथ कुछ वॉलपेपर्स हैं, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इसमें आपके पास ये चीज़ें हैं कि आप इसमें अलग अलग दिन, जितने दिन आप इस थीम को यूज़ करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 11 दिन, तो 11 अलग अलग वॉलपेपर्स हर दिन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे। मैंने अभी 2 दिन में यूज़ करते, थर्ड वाला डे आज, और आप देखिए जो थर्ड वाला जो वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गया, जो कि कमाल है। इस तरह के इंटरेस्टिंग से ऑप्शंस मुझे पर्सनली अपने किसी भी थीम में देखने को नहीं मिले, इसमें देखने को मिले, सो आई एम लविंग दैट। और बाकी सब चीज़ जो मैंने कस्टमाइजेशंस आपको बताई, कस्टमाइजेशंस भर भर के हैं और ज़्यादा वैल्यूएबल कस्टमाइजेशंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट है या कुछ, ऐसा नहीं है, काफ़ी वैल्यूएबल कस्टमाइजेशंस आपको देखने को मिलती हैं। इवन के इसमें आपको कुछ लाइव वॉलपेपर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। जब ये कस्टमाइजेशंस आपने देखी, इसके में आपको और भी कस्टमाइजेशंस देखने मिलते हैं। जब आप लॉक थीम यानी कि थीम सेंटर में चलेंगे, लॉक वाले कस्टमाइजेशन पर चलेंगे, लॉक स्टाइल में, वहाँ पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने मिलेगा, तो वहाँ से आप और भी कस्टमाइजेशंस को इनेबल कर सकते हैं, लाइक फिंगरप्रिंट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, जो आपके डिवाइस में बाय डिफॉल्ट अगर नहीं है तो उसे आप इनेबल कर सकते हैं, जो कि ऑफकोर्स काम नहीं करेगा, बट इट विल लुक अमेजिंग। उसके साथ साथ और भी कमाल के फीचर्स हैं जिसे आप इनेबल कर सकते हैं। आपको इसमें स्टैंड बाय मोड भी देखने मिलता है, आईफोन का स्टैंड बाय मोड, स्टेटस बार की कस्टमाइजेशंस और बहुत ज्यादा फीचर्स, आई कांट इवन एक्सप्लेन, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। तो ये थीम आज तक के जितने भी थीम मैंने ट्राई करें उनमें से दी बेस्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ज्यादा कमाल के फीचर्स, लाइट वेट UI, लेकिन हैवी थीमिंग, हैवी कस्टमाइजेशंस, अमेजिंग। द नेम इज S23 अल्ट्रा, सिर्फ 40 MB का ये थीम है। डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, डेफिनेटली ट्राई कीजिए। अगर आपने अभी तक कोई MIUI थीम नहीं ट्राई करा तो ये आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। यही सब था आज की इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, गुड बाय।